ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट कोडिंग करके हम यहाँ से डिज़ाइन में गए और यहाँ से क्लिक किया हमने फॉर्मेट बैकग्राउंड पे। यहाँ से हम चले गए एक पिक्चर पर, इंसर्ट करा दी हमने कोई पिक्चर अपने कंप्यूटर में। तो जैसे ही इंसर्ट के बटन पे क्लिक किया तो ये लोड हो रहा है, फ्रॉम फाइल पे क्लिक कर लिया, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में चले गए, यहाँ से लेटेस्ट पे क्लिक किया। तो यहाँ पर देखिए कि डिफरेंट किस्म के हमारे पास पिक्चर्स मौजूद हैं। अब इसमें से कोई भी एक पिक्चर जो हमें सेलेक्ट करनी है, पिक्चर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट से, pixels.com से या मुख्तलिफ साइट से। चलिए ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, ये वाली सही रहेगी, इसमें लाइट ज़्यादा। ये पिक्चर हमारे इस पर बैकग्राउंड पर आ गई। अब हम इस पर क्या करने लगे हैं कि यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट में जाके एक ये बना लेते हैं, इसको क्लिक करके शेप फॉर्मेट में जाके अलाइन पे क्लिक करके सेंटर पे कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके इसको ऊपर कर लेते हैं। इसमें कुछ चेंजेस करनी है हमें, जैसे कि यहाँ से राइट बटन दबाया हमने, इसके ऊपर फॉर्मेट शेप पर चले गए। यहाँ पर स्लाइड बैकग्राउंड फिल का एक ऑप्शन है, इससे क्या होगा जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इसके पीछे से हमें बैकग्राउंड जाहिर होने लग जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, शेडोज़ में जाएंगे, शेडो में जाके प्रीसेट्स पे क्लिक करेंगे, कोई भी इनर शेडोज़ इनसाइड शेडोज़ का इसमें से कोई भी एक ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं। ये इस तरह से इस पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी थोड़ी तरतीब बनाएंगे कि इसकी तरतीब किस तरह की बनानी है। जैसे हमने यहाँ से ऑल्टर लिया, सॉरी कंट्रोल के साथ डुप्लीकेट किया, एक शेप हमने यहाँ पे इसके नीचे बिल्कुल इस तरह से बना देना है। फिर एक और कंट्रोल लिया, इसके नीचे बना लेना है। अब यहाँ पर हमें इसके साथ दो शेप्स और बनाने हैं मज़ीद, तो इसकी तरतीब को कैसे रखेंगे, ये कंट्रोल के साथ एक शेप लिया हमने, यहाँ पर इसको सेट कर दिया, ठीक है। और सेम एक शेप हमने इस साइड पे सेट कर दिया। फिर यहाँ से एक और शेप कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, क्लिक करके एक और शेप हमने यहाँ से डुप्लीकेट लिया। फिर अब यहाँ पे तीन की तरतीब बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, एक शेप को इसके बीच में यहाँ पे सेट किया और एक शेप को इसके आगे यहाँ पे पैरेलल ऐसे सेट किया, फिर यहाँ पर सेट किया दो शेप्स को। ठीक है, अच्छा फिर इसके नीचे एक और शेप लिया हमने और फिर इसी तरीके से ये दो शेप्स ले लिए हमने कंट्रोल के साथ, तरीके से करके, और दो शेप्स हमने इस साइड पे लिए। फिर एक एक शेप फर्दर ऐड कर दिया इसमें यहाँ पर। ठीक है, स्पेसिंग वगैरह यहाँ पे देख लें, तैयारी है नहीं आ रही है। ओके, तो ये इस तरह से आ गया, तो एक शेप यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रही है।
इतना देर तुम्हें भी लगेगी बनाने में। ओके तो ये कुछ इस तरह से बनाए इसे करके, और ये इस तरह से अपने इसके फर्स्ट में डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा मुश्किल काम तो है, लेकिन ये करेंगे तो ये आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। अब देखें ये जो बन गए हैं इनकी जो तरतीब है वो कैसी है, इनको थोड़ा सेट करना है आपने। जैसे कि सिलेक्शन पेन में जाएंगे, सबसे टॉप पर कौन सा आ रहा है, ये सबसे लास्ट है, यहाँ से आइए, ये सबसे टॉप है। अब इसकी तरतीब उल्टी हो गई, मतलब यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये इस तरह से हुए हैं। इस पर कुछ तरतीब यहाँ भी ख़राब हुई है, 7 के बाद डायरेक्ट आ गया 10, अब 9 कहाँ चला गया, 9 है ही नहीं इसके अंदर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो है ही नहीं। तो 6, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है, 8 क्या होता, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब इसको एक काम करते हैं कि सीधा कर लें, इसको ज्यादा बेहतर रहेगा। काफी सारे शेप्स इसके ऊपर क्रिएट किए हैं, अगर उल्टा रखें तो फिर नीचे वाला पहले परफॉर्म हो जाएगा, असल में बात है ये। तरतीब को सीधा करने के लिए आपको जो स्ट्रेटेजी यूज करनी है तो मुश्किल, लेकिन वो इस तरह से होगी कि 3 से लेके आपने 10 तक के सेलेक्ट किए पहले कंट्रोल, सारे नहीं हो सकेंगे सेलेक्ट, इसी को फॉलो करते हैं। और मेहनत लगेगी उन्हें एक एक को ऊपर नीचे करने में, मतलब एक एक को ऊपर ऐसे करना पड़ेगा। फिर देखो ऐसे यहाँ 3 वाले को क्लिक करके आपको इस पर क्लिक करना होगा, हर क्लिक पे आपको 63 क्लिक्स करने होंगे तब जाके वो ऊपर पहुंचेगा। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है आपके पास? इस तरह से लेकर आना पड़ेगा तो इसका ऑर्डर चेंज हो सकेगा। चलो इसी को फॉलो करके देखते हैं फिर जैसा बनेगा। अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाके हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इन सारे हेक्सागोंस को इस तरह से, माउस ने काम करना छोड़ दिया। ये सारे सेलेक्ट हो गए, इसको हम जाके एनिमेशंस में एक एनिमेशन देंगे बेसिक जूम, ठीक है, और इसको ओके कर देंगे। इसमें इफेक्ट्स ऑप्शन में जाके इसको कहेंगे इन फ्रॉम स्क्रीन सेंटर, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना ये है कि भाई ये सारे तो एक साथ हो रहे हैं, एनिमेशन पेन में जाके सबका जो डिले रेट है ना वो चेंज करना है, सबका डिले रेट चेंज करना है। जैसे पहला हो गया, अब यहाँ पे ऐसा करो कि यहाँ से उल्टे चलो, फिर ये सारे आगे पीछे हो गए ना 3, 4, 5, तो अब ये मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ आके लगेंगे। चलो वैसे ही करो, जैसे अब इसका जैसे हम रख रहे हैं 0.1, ठीक है, तो इसका फिर डिले रेट रखेंगे 0.2,
सेव कर देता हूँ फाइल को मैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक शेप लेंगे। इसको राइट बटन दबाएंगे, सेंड टू बैक कर देंगे। ठीक है, इस पर राइट बटन दबाएंगे, फॉर्मेट शेप कर देंगे। पे यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा ट्रांसपेरेंसी का, थोड़ा कलर डार्क करेंगे इसका। हाँ सर, ठीक है ना, मतलब वही शेप इसके अंदर से ऐसे जाहिर हो जाएगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप इसका ट्रांसपेरेंसी रेट और ज़्यादा बढ़ाते हैं, और अगर ट्रांसपेरेंसी रेट को आप कम करते हैं, इस तरह से ये चीज़ इसकी क्रिएट होगी। उसके बाद इसमें ये भी कर सकते हैं हम, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ क्लिक करके इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट लें, BMW।
इस तरह से ये आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें ये जो हमने शेप्स बनाए हैं इसका ज़रा आपका थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगती है कि इसको अरेंज किस तरह से करना है गेप्स इसके दरमियान के, तो इस तरह का एनिमेशन आप इस तरीके से बना सकते हैं। दोबारा देखते हैं इसको, ये देखिए। तो कहने का मकसद ये था कि अगर आप इसको और बेहतर तरीके से बनाएं तो जैसे अभी हम